हेलो चाचा, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबोसर पर। तो आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपके फैमिली में सभी अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th के हाफ ईयरली एग्जाम की प्रिपरेशन, और बहुत अच्छे से मैं आपको प्रिपरेशन कराने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको पेपर भी दिखाऊंगा 2023-24 में कौन सा कैसा पैटर्न रहने वाला है, प्लस उसके अलावा मैं टॉप 30 क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा ताकि आप बहुत अच्छे से हाफ ईयरली एग्जाम की प्रिपरेशन कर पाए। तो ये सारे आपको टॉप 30 क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे उसकी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाऊंगा। प्लस हमारी वेबसाइट पर भी मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो वेबसाइट पर जरूर विजिट करेगा, composer.com है, ठीक है, या फिर खाली composer टाइप करेंगे और उसके बाद आप हाफ ईयरली का ऑप्शन आपको डायरेक्ट देखने को मिल जाएगा। वहां पर जाकर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, प्लस टॉप 30 जो क्वेश्चन आएंगे उसकी वीडियो भी आएगी, प्लस वो जो नोट्स हैं या PDF है वो भी आपको हमारी वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी। तो जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है आपके एग्जाम से रिलेटेड या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं वो आपको इजीली देखने को मिल जाए। अगर आपका कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना हो, आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, कंबोसर नाम से हमारा पेज है, तो इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करिए। और बात करें आज के इस इंग्लिश के पेपर के, तो पहले मैं आपको ये पेपर पूरा दिखा देता हूँ, फिर इसका सॉल्यूशन आपको कहाँ मिलेगा वो भी पूरा डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। देखो ये जो पेपर है, लगभग आप ये 70-80% मान के चलिए इस पेपर में से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इस पूरे क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। बाकी आपको मैंने हिंट भी दे रखे हैं बीच बीच में कि किस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा। जैसे ये फर्स्ट पैराग्राफ है, इसमें मैंने आपको टिक लगा करके दे दिए हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है यहाँ से यहाँ तक है, जितना पॉसिबल हो चुका है मैंने इस पेपर में ही कर दिया है, बाकी जो लेंथ ही है वो मैं आपको अलग से प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो वेबसाइट पर जरूर विजिट करिएगा ताकि आप बहुत अच्छे से इसकी प्रिपरेशन कर पाए। तो पेपर आपके सामने है और इसमें देखो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, ठीक है, आप एक अनसीन पैराग्राफ को छोड़ सकते हैं, बाकी इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन आपके इस पेपर में है आप तो उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। देखो आपके सामने है हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2023-24, सब्जेक्ट आपका इंग्लिश, कक्षा 11, मैक्सिमम मार्क्स जो है 80 मार्क्स का है, टाइम जो है आपका 3 घंटे, ठीक है। अब बात करें इसमें, देखो सबसे पहले जो सेक्शन ए है, और अगर हम बात करें इसके जो जनरल इंस्ट्रक्शंस है, दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस ए बी सी डी, मतलब 4 भागों में इस पेपर को बांटा गया है। ऑल सेक्शंस आर कंपलसरी, सभी जो सेक्शन है कंपलसरी यानी करना अनिवार्य है। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चंस, और जो इनके मार्क्स है वो सामने दिए गए हैं। सेपरेट इंस्ट्रक्शंस आर गिवन विद ईच क्वेश्चन, यानी जो अलग से इंस्ट्रक्शन है कि क्वेश्चन को कितने क्वेश्चन करना है, कैसे करना है, वो सारा आपको क्वेश्चन के सामने दिया हुआ होगा। वेर एवर नेसेसरी रीड दीज इंस्ट्रक्शंस वेरी केयरफुली एंड फॉलो देम, कह रहा है कि ध्यान से इनको पढ़ करके फॉलो करेंगे। डू नॉट एक्सेस दिस प्रिस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चंस, जब आप इन क्वेश्चंस के आंसर दे रहे होंगे तो जितना आपसे पूछा गया है उतना में आपने इस क्वेश्चंस के आंसर को देना है। देखो सबसे पहले आपको दे रखा है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, तो नीचे आपको पैराग्राफ दिया गया है, ठीक है, इसको आपने पढ़ करके जो आपसे प्रश्न नीचे पूछे गए हैं उनके आंसर देने हैं। तो आप वीडियो रोक करके भी इसको पढ़ सकते हैं, बाकी मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि ये पेपर कहाँ मिलेगा अगर आपको ये वाला पेपर चाहिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर के भी कहाँ मिलेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, बाकी ये पेपर आपको कहाँ मिलेगा वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। तो अगर आपको नहीं ढूंढना है इधर उधर तो आप यहाँ पे वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं। तो आप पूरा पैराग्राफ पढ़िए इसको, फिर इसमें मैं क्वेश्चन बता देता हूँ, देखो कौन कौन से क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। तो डी नंबर तक आपको यहाँ पे बांटा गया। देखो पहला जो प्रश्न है, स्टेट द टू मेन कैपेबिलिटीज ऑफ कंप्यूटर्स, व्हाट इज ऑटोमेशन, व्हाट बेनिफिट्स कैन मैन डिराइव फ्रॉम ऑटोमेशन, व्हाट इज द बेसिक लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर्स, व्हाट इज द यूज ऑफ कंप्यूटर इन इम्प्रूविंग अवर लिव्स। तो ये पांच है, पांचों का लगभग मैंने यहाँ पे आपको हिंट दे दिया है कौन से प्रश्न का उत्तर कहाँ पर मिलेगा, आप देख लीजिएगा। फिर उस पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसी का बी है, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स रिजल्ट्स, ये आपको पैरा फर्स्ट में मिलेगा और फिर है पैरा थर्ड में वेरी स्मॉल, ठीक है, तो आपने इनको ढूंढ लेना है। और उसके बाद सेकंड नंबर पर दे रखा है, देखो ये जो अनसीन पैसेज है इसको आप छोड़ सकते हैं क्योंकि देखो ये आपके लगभग चेंज होने ही होने हैं, तो बाकी इसके अलावा जितने आप क्वेश्चन देखेंगे उनको आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। बाकी आप इस पैराग्राफ को तैयार करिए, अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो इस सेम टू सेम पैराग्राफ भी आ सकता है। फिर है रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, यहाँ पे भी आपको पूरा पैसेज पढ़ना है और इससे रिलेटेड आपको नीचे जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको आपने करना है, ठीक है। इसमें फर्स्ट में देखो दे रखा है, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द अबव पैसेज मेक नोट्स ऑन इट यूजिंग एब्रिविलेशंस, हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, वेयर इट इज नेसेसरी मेक यूज ऑफ सुटेबल फॉर्मेट, यानी इसको आपने एक हेडिंग सब हेडिंग देकर के एक अच्छे से इसको तैयार करना है। राइट अ समरी ऑफ द अबव पैसेज इन 80 वर्ड्स एंड ऑल्सो सजेस्ट, इसमें आपको बोला है जो ये आपने ऊपर पढ़ा है इसको आपने एक समरी, यानी जैसे आप मान लो एक चैप्टर पूरा पढ़ के आते हैं या एक पिक्चर देख करके आते हैं, फिर आप अपने दोस्त को एक कहानी सुना देते हैं ऐसे ऐसे पूरी पिक्चर में हुआ है, तो सेम ऐसे आपको ये पूरी पिक्चर दे रखी है, तो इसको आपने एक
शॉर्ट स्टोरी बना करके पेश करना है लगभग 80 शब्दों में। और इसके लिए आपने एक टाइटल भी देना, जैसे पाठ का नाम देखते हैं सेम वैसे ही आपने इसको एक नाम दे करके भी आना है। फिर यहाँ से आपके होते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट सेक्शन बी से। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं प्रश्न नंबर 3 पर, सेक्शन बी है एडवांस राइटिंग स्किल, यानी अब यहाँ पे आपको लेटर और एप्लीकेशन वगैरह देखने को मिलने वाला है। तो नंबर 3rd है इसमें का है, योर स्कूल हैज रिसेंटली सेलिब्रेटेड क्लीन क्लीनलीनेस वीक अलॉन्ग विथ प्लांटेशन ऑफ द ओकेशन ऑफ श्री देव सुमन दिवस ऑन 25 जुलाई 2022। ठीक है, अंडर द नेम ऑफ क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया एज अ सेक्रेटरी ऑफ स्टूडेंट्स काउंसिल ऑफ योर स्कूल प्रिपेयर अ रिपोर्ट इन 80 वर्ड्स 80 to 100 वर्ड्स सुटेबल टू बी प्रिंटेड इन योर स्कूल मैगजीन यू आर सुनील सुनीता। अब देखो यहाँ पे आपको आपका नाम दे रखा है और आपके स्कूल में एक क्लीननेस यानी एक सप्ताह क्या साफ सुथरा और प्लांटेशन से रिलेटेड एक हफ्ता आपके स्कूल में मनाया गया। ठीक है, साफ साफ सफाई से रिलेटेड और प्लांटेशन से रिलेटेड आपका एक सप्ताह आपके विद्यालय में एक त्यौहार जैसा मनाया गया, और किस ओकेजन पर, श्रीदेव सुमन दिवस पर। ठीक है, जो कि कब हुआ था, 25 जुलाई 2022 सबको आपने। ठीक है, और इसका जो नाम नाम था या जो मिशन था इसके अंदर था क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया। ठीक है, इसके तहत आपने ये पूरा प्रोग्राम चलाया 7 दिनों का। तो इस पर आपने एक रिपोर्ट तैयार करनी है कि रिपोर्ट में देखो क्या क्या आ जाएगा, एक बॉक्स के अंदर आपने करना है कंप्लीट। तो कब से क्या स्टार्ट हुआ, क्या क्या पूरा उसके अंदर किया, कितने लोगों ने भाग किया, कब तक चला, उसके अंदर क्या क्या गतिविधियां हुई, वो सारा आपने डिटेल से लिखना है। लास्ट में आपने लिख देना है आप कौन है, सुनील या सुनीता, छपना कहाँ पे, आपके स्कूल मैगजीन में। फिर देखो अगर आप ऊपर वाला नहीं करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन दे रखा है, इसमें आपको दे रखा है राइट अ फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन इन द सॉरी ऑन द पिकनिक यू एंजॉयड विथ योर क्लासमेट्स लास्ट वीक। आप अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ पिकनिक मनाने गए पिछले सप्ताह, तो उससे रिलेटेड आपने पूरा 80 से 100 शब्दों में एक डिस्क्रिप्शन लिखना है। ठीक है, तो आप दोनों में से जो ठीक लगे वो आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर 4 है, इसमें क्या है, राइट एन आर्टिकल इन 100 to 150 वर्ड्स टू बी पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर ऑन हाउ द यंगर जनरेशन इज क्रेजी आफ्टर फास्ट फूड्स विच इज हाईली अनहाइजेनिक एंड कॉजिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स इट इज हेल्थ हजार्ड सॉरी हजार्डिंस। ठीक है, तो देखो इसमें फास्ट फूड से रिलेटेड आपने एक न्यूज़पेपर में क्या करना है, आर्टिकल लिखना है 100 से 150 शब्दों में कि किस तरह से जो ये यंग जनरेशन है, ठीक है, वो मतलब फास्ट फूड को लेकर के पागल हो रखी है, तो उससे रिलेटेड आपने पूरा एक आर्टिकल तैयार करना है 100 से 150 शब्दों में। उसके फायदे नुकसान बताना है आपने पूरा इसके अंदर, फायदे तो क्या है, नुकसान ही नुकसान है, तो उसके आपने सारे नुकसान इसमें पूरा डिटेल से एक्सप्लेन कर देना है। फिर राइट अ लॉन्ग कंपोजिशन इन 100 to 150 वर्ड्स ऑन द टॉपिक रूल सॉरी रोल ऑफ यूथ इन नेशनल डेवलपमेंट यू आर माही मोहम्मद आजम स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 इन गवर्नमेंट इंटर कॉलेज रानीखेत। आपकी पूरी डिटेल दे दी गई है। अब आपको रोल ऑफ यूथ इन नेशनल डेवलपमेंट यानी राष्ट्र के विकास में यूथ का क्या रोल है, इस पर आपने कंपोजिशन पूरा प्रिपेयर करना है। आर्टिकल की तरह होगा कंपोजिशन, तो सेम लगभग आपने 100 से 150 शब्दों में देना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 5 में, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया ड्रॉइंग अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज टुवर्ड्स द पुअर कंडीशन ऑफ द रोड एंड स्ट्रीट लाइट्स इन द एरिया ऑफ रायपुर देहरादून। इट इज वेरी डिफिकल्टी टू वॉक ऑन द रोड्स मेनी व्हीकल्स स्टक्स इन द पॉट होल्स ड्यू टू हैवी रेन्स रोड्स आर ब्लोन अवे यू आर पूजा प्रवीण एक्सप्लेन द कंडीशन। अब आपने क्या करना है इसमें, द टाइम्स ऑफ इंडिया के जो एडिटर हैं उनको आपने क्या लिखना है, लेटर लिखना है, और किससे रिलेटेड कि आपके यहाँ की जो सड़कें हैं रायपुर देहरादून की, बहुत सड़कों का जो हाल है बहुत बुरा हाल है। ठीक है, बारिश में बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं और सड़कों में जो गाड़ियां हैं उनके टकरा जाते हैं गड्ढों में, और मतलब बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं सड़कों में, उससे रिलेटेड आप कंडीशन समझ रहे हैं कि आप फिलहाल जो सड़कों की हालत है। ठीक है, तो वो सड़कों की पूरी हालत आपने एक्सप्लेन करनी है किसको, एडिटर हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया के। ठीक है, आप पूजा या प्रवीण है तो आपने ये नाम जरूर लिखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है इसी के अथवा में, अगर आपको ऊपर वाला नहीं करना और करके आपको देखा है, यू आर सैफाली श्याम ऑफ 27B राजपुर रोड देहरादून राइट अ एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एन इंग्लिश टीचर इन सेंट मेरी कॉन्वेंट स्कूल देहरादून। आप सैफाली या फिर श्याम है, 27B राजपुर रोड देहरादून पर रहते हैं आप, और आपने एक विद्यालय में इंग्लिश टीचर के लिए अप्लाई करना है और स्कूल का नाम आपको दे रखा है सेंट मेरी कॉन्वेंट स्कूल देहरादून। तो ये आपका हो गया था राइटिंग स्किल पर रिलेटेड। अगला है सेक्शन सी ग्रामर पर। ग्रामर में देखो आपका क्या क्या आएगा, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स।
ये सब आपको मैंने इंपॉर्टेंट जो टॉप 30 क्वेश्चंस दूंगा उसमें सब मैंने ये कवर कर रखे हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस पेपर को तैयार करना है, बाकी प्रीवियस ईयर के पेपर में अभी आपको दिखा दूंगा कहाँ देखने को मिलेंगे, टॉप 30 क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे वो मैं सब आपको बता दूंगा, तो इसको देख लेते हैं। देखो इसको आपने पूरे पैराग्राफ को पढ़ लेना है और इसको आपने फिल कर लेना है। अगला है सेवंथ नंबर, सेवंथ में कहा है देयर इज वन एरर इन ईच लाइन, आइडेंटिफाई द रॉन्ग वर्ड एंड राइट इट विथ करेक्शन। अब यहाँ पे आपको सेंटेंसेस दे रखे हैं, इनमें एक कोई एक वर्ड क्या है गलत है, कौन सा शब्द आपको इसमें गलत लग रहा है वो आपने इसमें पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, उसका आंसर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद अगला है प्रश्न नंबर 8, इसमें कहा है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू मीनिंगफुल सेंटेंस। अब यहाँ पे आपको वाक्य दे रखे हैं बट उसके जो वर्ड्स हैं वो आगे पीछे दे रखे, तो इनको आपने एक पूरा सेंटेंस बनाना है जिसका कुछ अर्थ निकल रहा हो, तो पूरा सेंटेंस आप देख रहे हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो नीचे आपको बोला है इसको पढ़िए और इसके आंसर दीजिए। अभी आपके पोएम से रिलेटेड है, फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द पोएम एंड द पोएट। आपने ये पोएम पढ़ लेनी है, स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस वॉच द ईयर टेरिबली ट्रांसेंस्ड फेट। तो इस पोएम को आपने पढ़ लेना है, तो इसके आपने नेम तथा पोएट, सॉरी पोएम एंड पोएट नेम लिखना है, यानी कवि और कविता का नाम लिखना लिखना है। फिर बी नंबर, व्हाट रिमाइंड्स द पोएटेस ऑफ हर मदर्स फेस, ठीक है, यानी जो पोएटेस यानी कवित्री का कवित्री की जो मदर का फेस है वो क्या याद दिलाता है। सी है व्हाट रिमेन्स अनचेंज्ड इन द पोएम एंड व्हाई, ठीक है, क्या इसमें बदलाव नहीं हुआ वो आपने पूरा अगर आपने पोएम पढ़ी तो बहुत अच्छे से आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। फिर है और करके, फिर आपको दे रखा है इसमें भी नेम नेम एंड द सॉरी नेम द पोएम एंड द पोएट लिखना है। फिर है हु इज एड्रेस्ड हेयर, ये आपको प्रश्न आपने पढ़ लेने हैं। फिर प्रश्न नंबर 10, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 30 वर्ड्स इच। अब यहाँ पे आपको तीन क्वेश्चन दिए हैं, तीन में से किसी दो का उत्तर देना है। पहला प्रश्न है हु आर द थ्री गर्ल्स इन द फोटोग्राफ, फोटोग्राफ अगर आपने स्टोरी पढ़ी तो उसमें कौन सी वो तीन लड़कियां थी उसके बारे में आपने बताना है। बी नंबर है व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द बिगनिंग एंड द एंडिंग ऑफ द पोयम द लेवरनम टॉप, ठीक है, सॉरी ये जो थ्री गर्ल्स वाला है पोयम से रिलेटेड है तो आपने इसको पढ़ लेना है, तो तीन लड़कियां कौन थी। फिर बी नंबर है आपका कि आपने क्या नोटिस किया जो इस पोयम है आपकी द लेबरम टॉप, ठीक है, तो इसकी स्टार्टिंग और एंड में आपने क्या नोटिस किया। सी है व्हाट डज द रेन डू टू अर्थ, ठीक है, तो इसका आंसर आपने देख लिया, नंबर 11 है क्वेश्चन। आंसर एनी फोर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 to 40 वर्ड्स, 30 से 40 शब्दों में आपने पांच में से किसी चार का उत्तर देना है। पहला है द ऑथर्स मदर वॉज रिलीजियस पर्सन, एक्सप्रेस थ्री वेज इन विच वी कम टू नो दिस। इन सभी क्वेश्चन का आंसर मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कहाँ से आपको इनका आंसर मिल जाएगा, बाकी पेपर अगर आपको देखना है वो मैं अभी आपको बता दूंगा। देखो इंस्टाग्राम पर जरूर जुड़ जाना है, अगर आपको कोई भी अपडेट कुछ भी पूछना है तो इंस्टाग्राम पर आप फॉलो करिए, और बाकी लेटेस्ट अपडेट लेटेस्ट पेपर सभी क्वेश्चन पेपर आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे, तो चैनल के साथ भी जरूर जुड़े रहिएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन बी है व्हाट डिफरेंसेस डिड यू नोटिस बिटवीन द रिएक्शंस ऑफ द एडल्ट्स एंड ऑफ द चिल्ड्रंस व्हेन फेस्ड विथ डेंजर, मतलब आपने क्या क्या रिएक्शंस देखे हैं मतलब जवान लोगों में और बच्चे बच्चों के फेस पर। व्हाई हैज किंग टूथ्स बॉडी बीन सब्जेक्टेड टू द रिपीटेड स्क्रूटनी, ठीक है, तो उसको आपने देखना है। डी है हु वॉज द अनटूटर्ड जीनियस हु क्रिएटेड अ पैराडाइज इन इंडिया एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन टू आर्ट। ये है डिस्क्राइब इन शॉर्ट द रिजल्ट्स ऑफ सीटी स्कैन ऑफ किंग टूट्स मम्मी, जो सीटी स्कैन हुआ था टूट्स मम्मी का, ठीक है, किंग टूट्स मम्मी जो उसका सीटी स्कैन हुआ उसका रिजल्ट जो है उसको आपने शॉर्ट्स में लिखना है, मतलब आपने उसको लगभग बहुत कम शब्दों में बताना है। फिर है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन नंबर 12 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 100 to 150 वर्ड्स, ये आपका 8 नंबर का है। इसमें क्या है व्हाट लेसन डू यू डू वी लर्न फ्रॉम सच हजार्डस एक्सपीरियंस व्हेन वी आर फेस टू फेस विथ डेथ, ठीक है, तो इसमें हमको कहा गया है कि हमें क्या सीखने को मिलता है जब हम डेथ को फेस टू फेस देखते हैं। फिर है और द एम्परर मे रूल ओवर द टेरिटरी ही हैज कॉन्क्वर्ड बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे विद इन, एक्सप्लेन इट इन द लाइट ऑफ द टेल टोल्ड अबाउट द पेंटर वुडजॉकी, ठीक है, तो अगर आपने स्टोरी पढ़ी होगी तो आप इसका आंसर इजिली लिख पाएंगे, बहुत इजी है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 100 वर्ड्स, द एड्रेस इज अ स्टोरी ऑफ ह्यूमन प्रेडिक्लमेंट दैट फॉलो वॉर कमेंट, ठीक है, दैट फॉलोस वॉर।
तो ये इसमें आपके जो प्रश्न का उत्तर देना है 100 शब्दों में देना है, सभी क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसी के और में दे रखा है, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन डू यू थिंक द नरेटर इज इन द स्टोरी रंगास मैरिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 30 से इन सॉरी इन 30 to 40 वर्ड्स, यानी 30 से 40 शब्दों में आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पहला है, हु वाज मिस्टर डॉर्लिंग, डिस्क्राइब हर एड्रेस, डॉर्लिंग कौन थी और उनका एड्रेस आपने डिस्क्राइब मतलब देना है यहाँ पर। फिर है, व्हाई वाज रंगाज होम कमिंग अ ग्रेट इवेंट, ठीक है, रंगा के घर पर एक बड़ा इवेंट क्या आने वाला था। सी है, व्हाट डिड द हेड टीचर से टू एल्बर्ट व्हेन ही वाज सम। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है आपके सिलेबस से हट चुका था, उसको आपने नहीं देखना है। तो टोटल आपने जितने क्वेश्चन देखे इनको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। मैं आपको बता देता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आप कहाँ देख सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन पेपर में आपको बताता हूँ, प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको कहाँ मिलेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिएगा। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, गूगल क्रोम में चले जाना है या जहां पर भी आप इंटरनेट यूज करते हैं, आपने टाइप करना है कम्बोज सर। कम्बोज सर पे आपने जाने के बाद सिंपल सबसे फर्स्ट नंबर पर आपको हमारी वेबसाइट देखने को मिल जाएगी, और वेबसाइट पर जाते ही आपको क्या करना है, थोड़ा सा नीचे स्लाइड करना है। वेबसाइट में जाने के बाद देखो ये हमारी वेबसाइट आ गई है, और इसमें आपने क्या करना है, थोड़ा सा नीचे जाना है और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर 2023-24। या तो आप इस पर क्लिक कर लीजिए, या फिर जब आप इसको फोन में ओपन करेंगे आपको ये 3 डॉट देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। या तो आप इस 3 डॉट पर क्लिक करिए और उसके बाद आप देखेंगे हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर, ठीक है। इस पर आप क्लिक करते ही आप हमारे इस पेज पर पहुंच जाएंगे जहाँ पे मैंने आपको हाफ ईयरली पेपर प्रोवाइड करा रखे हैं, ठीक है। तो इस पर आने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे क्लास 11 सभी क्लासेस के दे रखे हैं, क्लास 11 अर्धवार्षिक प्रश्न पत्र पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट के, जैसे आप अभी इंग्लिश का देख रहे हैं तो इंग्लिश का प्रीवियस ईयर के पेपर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। जो पेपर आपने देखा वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, प्लस टॉप 30 क्वेश्चन जो भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा उनका लिंक भी मैं यहाँ पर बहुत जल्दी ऐड करने वाला हूँ। टॉप 30 क्वेश्चन करके यहाँ पर इसी लिंक के नीचे जस्ट, तो वेबसाइट पर और चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिए। जिन तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी अपडेट आती है, जो भी पेपर आता है आपके सामने, उसको आप जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाए और ताकि आपकी एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आ पाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस इसके अलावा इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करिए, ताकि जो भी आपके डाउट्स हो, जो भी आपको पूछना हो, एनी टाइम पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।